हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में आईक्यू उनकी जी सीरीज का एक और नया लेटेस्ट फोन लॉन्च करने वाला है। मिस्टर इंडिया हेड, आईक्यू के जो इंडिया हेड है, उन्होंने जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया है कि 31 अगस्त को जो है वो अपना एक लेटेस्ट फोन जो है आईक्यू Z7 Pro या फिर हम बोल सकते हैं कि आईक्यू G7 Pro जो है इंडियन मार्केट में जो है लॉन्च हो जाएगा। फर्स्ट लुक एंड डिजाइन जो है बाहर आ गया है और सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है बाहर आ गए हैं। देखते हैं गाइस कि आपको जो है क्या इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, क्या प्राइस सेगमेंट होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। गाइस, आईक्यू की जो इंडिया हेड है, उन्होंने जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया है कि ये फोन जो है 31 मार्च को जो है इंडिया मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्स 25 to 26,000 rupees का जो आसपास ये फोन लॉन्च होने वाला है। अब गाइस, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फर्स्ट लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो कुछ आपको जो है इस टाइप का जो है डिजाइन देखने को मिलेगा आईक्यू G7 Pro का। ये जो लुक है ऑलमोस्ट वीवो वाला लुक लग रहा है, जो वीवो के हम ऑफलाइन मार्केट में फोन दिखा करते हैं, वैसा ही जो है लुक आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है वीवो का ही सब ब्रांड है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं इस आईक्यू G7 Pro के बारे में, तो लुक एंड डिजाइन के मामले में जो है कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। नो डाउट जो है काफी अच्छा आपको जो है लुक देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में, तो आपको मिल रहा है एज पैनल के साथ में। जो कि फोन होने वाला है G7 Pro, वो आपको मिलने वाला है एज स्क्रीन के साथ में। मतलब जो है डिस्प्ले वाइज एंड डिजाइन वाइज में आपको जो है कोई भी दिक्कत एंड कोई भी जो है कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट। मतलब जो डिस्प्ले के अंदर जो है कोई भी कमी अभी तक जो है नहीं दिख रही है। एंड गाइस, बात करते हैं बैक डिजाइन के बारे में। जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, बैक डिजाइन भी जो है काफी अच्छा दिख रहा है। तो डिस्प्ले डिजाइन के अंदर जो है कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर चिपसेट यूज होने वाला है वो है डायमेंसिटी 7200 चिपसेट। डायमेंसिटी 7200 आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस का मामले में लिटरली आपको जो है काफी इंटरेस्टिंग जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो बताया जा रहा है कि यहां पर आपको जो है ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो कि प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो होगा 64MP के साथ में, एंड जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 2MP का मैक्रो लेंस। इसका मतलब है जो है गाइस, पहले जो चार चार कैमरे यहां पे आते थे ना, वो सारे गायब कर दिए हैं। अब जो है सिर्फ और सिर्फ वापस जो है पुराने वाले फोन पे आ गए हैं, जो कि प्राइमरी सेंसर ही देखने को मिल रहा है और सेकेंडरी कैमरा जो है आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही आपको जो है अभी सभी फोन के अंदर जो है पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो थर्ड फोर्थ चार चार कैमरे जो है लॉन्च किए थे काफी टाइम से, वो सारे गायब कर दिए हैं। वापस से दो कैमरे सभी फोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्राइमरी सेंसर जो है इंपॉर्टेंट है, एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है काफी सारे फीचर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, वहीं बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो 16MP का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा इस आईक्यू G7 Pro के अंदर। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में यूज होने वाली है 4600mAh की बैटरी। 4600mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि चार्जिंग सपोर्ट करेगा वो होगा 66W के साथ में। गाइस, इंटरेस्टिंग, मतलब 66W का चार्जर आपको जो है इनबॉक्स में आपको जो है आईक्यू प्रोवाइड करने वाला है। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। मतलब 4600mAh बैटरी और 66W चार्जर, मतलब शानदार आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जहां पर आपको 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, मतलब जो है परफॉर्मेंस के अंदर से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, वहीं अगर बात करते हैं इस फोन की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर आपको देखने को मिलेगा। एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो हायर वेरिएंट जो है 12GB रैम वाला वेरिएंट भी जो है लॉन्च इंडियन मार्केट में हो सकता है। तो गाइस, ये है इस फोन के ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन देख के जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये फोन परफॉर्मेंस वाइज में, इसके बाद में जो है डिजाइन वाइज में, कैमरा वाइज में, और जो है इसके वेरिएंट वाइज में या फिर जो अदर सिक्योरिटी फीचर के बारे में। तो गाइस, ओवरऑल जो फीचर है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब बात करते हैं प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो गाइस, रूमर्स एंड लीक से बोलते हैं कि ये फोन जो है 25 से 26 हज़ार रुपये के आसपास जो है होने वाला है। देखते हैं कि क्या ये फोन जो है कितने तक का लॉन्च होता है, देखते हैं गाइस, और वेट करते हैं 31 अगस्त का, जो कि इंडियन मार्केट में जो है ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, जो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके आप मुझे बताना आपका मानना है इस वीडियो के बारे में और इस फोन के बारे में, क्या आप वेट करना पसंद करोगे या फिर जो है नहीं, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।